जारी किया है कि अब 30 साल की ड्यूटी या 50 साल की उम्र पार करने के बाद अधिकारी के प्रमोशन के लिए परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाएगा और अगर इस रिव्यू में अधिकारी फेल होता है तो उसके फेल होने पर उसकी छुट्टी कर दी जाएगी। इस सालाना अप्रेजल में फेल होने पर अधिकारी को 3 महीने का नोटिस देकर रिटायर कर दिया जाएगा। ये नोटिस सभी मंत्रालयों को भेजा गया है। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मौसमी सिंह जुड़ गई है हमारे साथ। मौसमी, जब से मोदी सरकार आई है तब से ब्यूरोक्रेसी पर एक लगाम कसने की तैयारी ताकि ठीक तरीके से काम कर सके, उसके हमने अलग अलग स्तर पर अलग अलग कदम देखे हैं, अब ये नया कदम। बिल्कुल, यही वो नोटिस है जो सरकारी हलकों में भेजा गया है और जिससे काफ़ी सख्ते में तमाम बाबू। जिस तरह से इस नोटिस में साफ साफ कहा गया है कि सभी का जो परफॉर्मेंस रिव्यू होता है उसको सीरियसली लिया जाएगा, गंभीरता से लिया जाएगा। आपको बता दें कि हर साल एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू होता है और उस रिपोर्ट के तहत अगर जो सरकारी बाबू हैं वो कहीं कम पाए गए या उनका परफॉर्मेंस जो है वो नेगेटिव है तो ये मत समझें कि आपकी जो नौकरी है वो परमानेंट है। आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, 30 साल से आप नौकरी कर रहे हैं तो आप परमानेंट है, आपको कंपलसरी तौर पे रिटायर कर दिया जाएगा। गौर कीजिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट ये नहीं है, ये एक तरह से पनिशमेंट है। अगर आपका रिव्यू, आपका जो आपके सीनियर्स जो कहते हैं कि अगर आप काम चोरी कर रहे हैं तो आपका रिव्यू नेगेटिव है और उसके तहत अब आपको अकाउंटेबल, जवाबदेह बनाया जाएगा और आपकी छुट्टी हो सकती है। 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी ताकि सभी जो नौकरशाह हैं वो अपने काम को गंभीरता से करें, पूरी उनकी जवाबदारी हो, इसको तय करने के लिए ये नोटिस भेजा गया है। शुक्रिया मौसमी आपका इस जानकारी के लिए।